हेलो एवरीवन सो वी आर सॉल्विंग द बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स एंड टुडे इट्स द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स सो द क्वेश्चन से इज व्हाट इज ग्लाइकोजन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च आपको पहले बताना है ग्लाइकोजन क्या होता है देन यू हैव टू डिस्कस हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च ओके तो देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ एल्फा डी ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन है वो क्या होता है बेटा पॉलीमर होता है एल्फा डी ग्लूकोज का जो आपस में जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ओके कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन एंड इसीलिए हम ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं एनिमल स्टार्च क्योंकि ये एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन बट मोर हाईली ब्रांच तो पहले आपको देखना है कि अमाइलोपेक्टिन क्या होता है उसके लिए हम देखते हैं स्टार्च स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ एल्फा डी ग्लूकोज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दोनों ही पॉलीमर्स हैं एल्फा डी ग्लूकोज के एंड स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कॉम्पोनेट्स विच इज अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ये देखेंगे बेटा जो आपके पास है अमाइलोज वो क्या होता है अनब्रांच चेन होती है ऑलमोस्ट 200 हंड्रेड टू वन थाउजेंड एल्फा डी ग्लूकोज जुड़ी होती है बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ठीक है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे होती है C1 वन एंड सी के बीच में और ये जो अमाइलोज है ये वाटर सोल्यूबल कॉम्पोनेंट होता है विच कंस्टिट्यूट अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ स्टार्च ठीक है और अगर हम बात करें अमाइलोपैक्टिन की अमाइलोपैक्टिन में क्या होता है बेटा अमाइलोपेक्टिन वाटर में होता है इनसॉल्युबल एंड इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80 टू एसेंट ऑफ स्टार्च इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर किसका होगा एल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का एंड यहाँ पर जो लिंकेज है वो कैसे होगी बेटा अगर हम बात करें स्ट्रेट चेन की लीनियर चेन की तो वहां पर होती है सी वन एंड सी फोर एंड अगर हम ब्रांचिंग की बात करें बेटा तो ब्रांचिंग अकर्स बाय सी वन एंड सी सिक्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्लियर है तो ये होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन अब यहां पर अगर हम ग्लाइकोजन को देखें बेटा तो हमने पढ़ा ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन बट मोर हाईली ब्रांच तो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो होता तो है अमाइलोपेक्टिन जैसा जिसमें लीनियर चेन होती है सी वन सी फोर ग्लाइकोसेटिक लिंकेज से और ब्रांचिंग होती है सी वन सी सिक्स ग्लाइकोसेटिक लिंकेज पे ठीक है लेकिन ग्लाइकोजन जो है वो हाईली ब्रांच होता है देन अमाइलोपैक्टिन क्लियर है बेटा ओके okay. और ग्लाइकोजन कहा मिलता है ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है लीवर में मसल्स में एंड ब्रेन में और जब भी आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो जो एंजाइम्स हैं वो ब्रेक कर देते हैं ग्लाइकोजन को किस में ग्लूकोज में और ग्लाइकोजन और कहां मिलता है ईस्ट में मिलता है और फंगाई में मिलता है ठीक है स्टार्च कहां प्रेजेंट होता है बेटा स्टार्च मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होता है प्लांट्स का स्टार्च कहां मिलता है स्टार्च मिलता है प्लांट्स में तो हमने ग्लाइकोजन भी देख लिया और स्टार्च भी देख लिया कैसे डिफरेंट है ग्लाइकोजन स्टार्ट से दोनों में अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है बट जो ग्लाइकोजन है उसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा ब्रांच होता है क्लियर चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय